बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर बुधवार को प्रशांत किशोर पर जमकर भड़के। प्रशांत किशोर, छोटा नाम पीके, वही पीके जो 2014 में नरेंद्र मोदी का इलेक्शन कैंपेन डिजाइन करके सुर्खियों में आए और फिर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी सजाने के मामले में इनका कद बढ़ता गया। हाल ही में बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर नई गठबंधन सरकार बनाई थी। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का ये मौजूदा गठबंधन भी टूट जाएगा। पीके ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार आगे भी पाला बदल सकते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार की दुर्दशा के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। पीके के इन्हीं तमाम बयानों पर नीतीश कुमार से रिएक्शन मांगा गया तो वो बोले, प्रशांत किशोर की बात का कोई मतलब भी है क्या? क्या उसको बिहार का ABC भी मालूम है? अगर वो कोई बात बोलते हैं तो समझ लीजिए उनका मन BJP के साथ रहने का होगा, BJP को मदद करने का होगा। नीतीश कुमार की पूरी बात सुनते हैं। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। आज दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहे करे ना भाई, उसे क्या मतलब, उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। मालूम है, एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है कुछ, ABC मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, इन लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड वंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या? तीन दिनों के चलते और आप जान लीजिए, अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा कुछ, BJP के साथ रहने का मन होगा, BJP का भीतर से मदद करने वाला मन होगा, और क्या ये सब चीज है। इसलिए सब चिंता मत करिए, उसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद प्रशांत किशोर ने भी नीतीश को एक ट्वीट के जरिए जवाब दिया, हालांकि कुछ ही देर में उन्होंने अपना ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच बात आज काफी बिगड़ चुकी है, लेकिन एक वक्त था जब दोनों की पक्की वाली यारी हुआ करती थी। 2014 से शुरू करते हैं। 2014 में पहली बार प्रशांत किशोर का नाम नेशनल लेवल की सुर्खियों में आया। प्रशांत किशोर ने उस वक्त नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन कैंपेन डिजाइन करा था। हर हर मोदी, घर घर मोदी जैसे नारे उन्होंने ही नरेंद्र मोदी के लिए गढ़े थे। प्रशांत किशोर का इलेक्शन कैंपेन सफल माना गया क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली। इसके बाद बारी आई 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव की। यहां भी प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल कैंपेन डिजाइन करा, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के लिए। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ऐसे नारे उन्होंने नीतीश कुमार के लिए गढ़े जो सुर्खियों में भी रहे और नीतीश कुमार के लिए ये नारे काम भी कर गए, वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद प्रशांत किशोर ने तमाम और भी पॉलिटिकल कैंपेन डिजाइन करे, जिनमें से कुछ सफल रहे और कुछ असफल भी। जैसे कि 2017 में उत्तर प्रदेश में उन्होंने सपा और कांग्रेस गठबंधन के लिए काम किया था, लेकिन ये प्रयोग विफल रहा था। 2018 में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी में आ गए। प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर ली। इसके पीछे नीतीश कुमार को ही कारण बताया गया था। यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार ने ही प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल कैंपेनिंग का काम छोड़कर पॉलिटिकल पार्टी में आने का सुझाव दिया था। प्रशांत किशोर न सिर्फ JDU में आए, बल्कि उस वक्त नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया था। प्रशांत किशोर अपने तमाम इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि उन्हें पहली कुर्ते पैजामे का जोड़ा नीतीश कुमार ने ही दिया था, ये कहते हुए कि अब उन्हें पॉलिटिकल कैंपेनिंग नहीं बल्कि विशुद्ध राजनीति करनी है। हालांकि बाद में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ दी। ये भी कहा गया कि प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने पार्टी से बाहर कर दिया। प्रशांत किशोर बमुश्किल एक साल JDU में रहे, उसके बाद अलगाव हो गया। जनवरी 2020 में नीतीश कुमार ने जब प्रशांत किशोर को पार्टी से यानी JDU से निकाला था तो कहा कि जिसको पार्टी से बाहर जाना है वो जा सकता है। प्रशांत किशोर को अमित शाह के कहने पर ही पार्टी में शामिल किया गया था। इसके बाद प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर पलटवार भी किया था। उन्होंने कहा था, पार्टी में मुझे लेने को लेकर नीतीश कुमार ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हैं, आपने एक नाकाम कोशिश की, मेरा रंग आपके जैसा नहीं है। तब नीतीश कुमार RJD से रिश्ता तोड़कर BJP के साथ सरकार बनाने में जुटे थे। इसके बाद भी प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके उस वक्त कहा था,
नीतीश जी हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे और वो मेरे लिए पिता जैसे थे, इसलिए उन्होंने जो भी फैसला लिया है मैं उससे सहमत हूँ। मैं उनके फैसले को लेकर कोई शिकायत नहीं करूँगा। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच यहाँ तक भी रिश्ते कुछ खट्टे कुछ मीठे जान पड़ते थे। बात फरवरी 2022 की करें तो नीतीश कुमार ने प्रशांत को लेकर कुछ और बयान भी दिए थे। उन्होंने कहा था, प्रशांत किशोर से क्या मेरा रिश्ता आज से है, मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है। बैठक के पीछे कोई विशेष अर्थ ना निकालें, मेरी और प्रशांत किशोर की मुलाकात सामान्य थी। ये तब की बात है जब नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात दिल्ली में हुई थी और ये मुलाकात काफ़ी चर्चा में रही थी। ये बात फरवरी 2022 की है, लेकिन सितंबर का महीना आते आते प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच तल्खियां इतनी बढ़ गई हैं कि दोनों सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।